तो दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में। मेरे पास एक फ़ोन आया है जिसमें पासवर्ड लॉक लगा हुआ है, तो उसमें बार बार ट्राई करने पर काफ़ी टाइम बढ़ चुका है। तो दोस्तों अब मैं डायरेक्ट ही इसको UMT प्रो से इसको फॉर्मेट करने वाला हूँ, और ये मेथड मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि इसे कैसे किया जाता है। और दोस्तों किसी भी कस्टमर का प्राइवेसी फ़ोटो ना दिखाएं। और अब मैं डायरेक्ट ही ले चलता हूँ आपको टूल की तरफ। तो दोस्तों हमें टूल सेफारवी पर जाना है, और यहाँ पे लिखा है वाई मॉडल, तो यहाँ पर हमें वीवो ब्रांड को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वीवो को सिलेक्ट कर लिया है, और इसके नीचे ही इसका हमें मॉडल नंबर ले लेना है। तो यहाँ पर मैं Y81 को ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें जाना है फिर फॉर्मेट पर, तो यहाँ पे हमें इराइज कर देना है और DO पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों याद रहे हमें मोबाइल में कोई भी बूट की नहीं दबाना है। जो MTK का CPU होता है ये ऑटोमेटिक ही ले लेता है, सिर्फ आपको पावर ऑफ करके डाटा केबल को लगा देना है। तो दोस्तों हमारा ये फ़ोन फॉर्मेट होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों ये फॉर्मेट डन भी हो गया है। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहें। तो दोस्तों इसको चेक करने के बाद इसमें FRP लॉक का भी प्रॉब्लम था, तो उसको मैंने कैसे बाय किया है वो भी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों सिंपल सा वही तरीका है, आपको रीसेट FRP पर एक बार क्लिक कर देना है और मोबाइल को पावर ऑफ करके डाटा केबल को लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ से इसका FRP भी रिमूव होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमारा FRP भी रीसेट डन हो चुका है। तो दोस्तों इसने MediaTek का USB VCOM पोर्ट बनाया है। तो दोस्तों हमारी भी कोई भी वीडियो होती है उसको पहले हम खुद से ट्राई करते हैं, जब वो कंप्लीट होता है तभी हम उसका वीडियो बनाते हैं। हमारी कोई भी वीडियो फेक नहीं होती है, चाहे हमारी कोई भी वीडियो देख लेना आप दोस्तों, कोई भी वीडियो हमारी फेक नहीं मिलेगी जिससे आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आए। और जो मैं मेथड बताता हूँ आप उसी तरीके से करोगे तो आपका फ़ोन 100% फॉर्मेट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सेटअप कंप्लीट कर रहे हैं, और दोस्तों ये सेटअप कंप्लीट भी हो गया है। दोस्तों आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें।